Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन में शामिल मजीद खबरों के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया सैमसन। बुलेटिन का आगाज करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म की कयादत में नून लीग की रैली की खबरों से। मतवालों के सियासी शो का आज दूसरा दिन है और काफले का पड़ाव रावलपिंडी में है। आज ये काफला फिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना होगा। जियालों की तैयारियां कल की तरह आज भी उरूज पर दिखाई दे रही है। जगह जगह लगे हुए इस्तकबाली कैंप्स पर पार्टी नगमे बजाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सादिया, इसी तरह की सूरत हाल है और मजीद क्या कुछ हम दिखाना चाहेंगे। एक रिपोर्ट है, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं फिर मजीद सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ के काफले का आज दूसरा दिन। गुज़िश्ता रोज काफले ने पिंडी में पड़ाव किया। मतवालों का जोश कल की तरह आज फिर ताजा। गाड़ियों पर किसी ने झंडे लगाए तो किसी ने शेर के मॉडल सजाए। कोई मतवाला पार्टी नगमों की धुन पर भंगड़े डालता रहा। काफला जीटी रोड के जरिए मुख्तलिफ शहरों में कयाम करेगा। लाहौर पहुंचने का वक्त शेड्यूल में जुम्मा तय किया गया है। गाड़ियां ज्यादा, लोग पैदल भी शरीक। काफले की सुसवी बता रही है कि मंजिल अभी दूर है। गुज़िश्ता रोज अहलियाने रावलपिंडी ने रैली का भरपूर इस्तकबाल किया था। रास्ते में इस्तकबाली कैंप लगा दिए गए हैं। जगह जगह पानी की सबीले और लीगी कारकुनान की जानिब से खानों का भी एहतमाम किया गया है। साबिक वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज अपने खिताब से लीगी कारकुनान को गरमाया और मुखालफीन पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। आज भी वो कारकुनों से खिताब करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला कुछ देर बाद पंजाब हाउस रावलपिंडी से रवाना होगा। रैली में शिरकत के लिए लीगी कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मजीद बताएंगे, नासिर काजमी ने एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया है। नासिर काजमी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अब? रवाना तो रैली ने 11 बजे होना था, वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया है, लोग जमा हुए हैं, क्या प्लान नजर आ रहा है नून लीग का? साथिया बिल्कुल तैयारियां जो लग रही हैं वो इस तरह है कि बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर आएंगे। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और जितने भी कारकुन इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, पंजाब हाउस के दो दरवाजे हैं जो इस सड़क के ऊपर वाकई हैं। एक दरवाजे के ऊपर जो कारकुनों की तादाद थी वो कम होकर दूसरे दरवाजे जो मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी ज्यादा कर दी गई है और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं और उसके अलावा पुलिस की जो नफरी है और जो कारकुनों की तादाद है वो इसी गेट के ऊपर ज्यादा नजर आ रही है। कचहरी रोड, कचहरी चौक इससे तकरीबन यहाँ से हार्डली 20 से 25 कदम के फासले पर है। वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दीगर अहदेदारान हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी कारकुन थे उनको अनाउंस किया गया है कि आप जितने भी लोग हैं वो कचहरी चौक तक पहुँचे, क्योंकि मियाँ साहब जब यहाँ से निकलेंगे और फिर ये जो लोग हैं वो कचहरी चौक की तरफ मूव करेंगे और यही सड़क सीधी फिर जो है रवात, गुजर खान, जेलम, खारियां और फिर होती हुई जो है वो लाहौर की जानिब जा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूं तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है स्पेशल ब्रांच की भी और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनमें पुलिस भी शामिल है, एलीट फोर्स भी शामिल है और जितने भी अल्टरनेट रूट्स लोगों को फराहम किए गए हैं, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर आज भी कोई छुट्टी का दिन नहीं है, नॉर्मल वर्किंग डे है और कोशिश ये की गई है कि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये जो कॉल दी गई थी कारकुनों को जमा होने की वजह से, उसकी वजह से खासी मुश्किलात का भी सामना है लोगों को। खास तौर पर इसी सड़क के ऊपर दो हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये रास्ता आता है, उन लोगों के लिए खासी मुश्किलात का सामना है। उनको अल्टरनेट रूट तो दिया गया है लेकिन आगाही ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारकुनों को जोश गरमाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैंने पहले अपने नाजरीन से ये बात शेयर की कि रावलपिंडी के अंदर एक तो छुट्टी का दिन नहीं है और नॉर्मली जिस तरह आम रूटीन में स्कूल्स भी खुले हुए हैं और दफातर भी खुले हुए हैं, लोगों के आने जाने में उनको खासी मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन
कारकुन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है और ये पता चलता जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सबसे थोड़ी देर बाद बाहर आएंगे, तो उनको देखने के लिए जो कारकुन भी जमा होते जा रहे हैं। कारकुनों के लिए यहाँ पर ढोल, घोड़े और म्यूजिक का भी बंदोबस्त किया गया है, लेकिन जिस तरह की रैली ऑर्गेनाइज्ड की जानी चाहिए थी, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है रावलपिंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उस हिसाब से यहाँ पर मुझे नजर नहीं आता। ना तो यहाँ पर पानी, खाने पीने का कोई बंदोबस्त किया गया है कारकुनान के लिए, और ना ही कोई उनके लिए रफा हाजत का बंदोबस्त है। लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन ऑब्वियसली अपने लीडर को देखने के लिए आए हैं और उनके साथ जिकजैती करने के लिए आए हैं, तो उनके हौसले अभी तक तो बुलंद हैं और लग रही है कि ये लोग यहाँ से आगे कॉन्वाई की शक्ल में जब मूव करेंगे तो रावलपिंडी के जो आउटस्कर्ट्स हैं उनके लोग साथ साथ इसी रैली का हिस्सा बनते जाएंगे। और यही मौकफ अपनाया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत की जानिब से कि रावलपिंडी में जूं ही रैली चलना शुरू होगी तो लोगों की तादाद में बदतरीन इजाफा होता चला जाएगा। नासिर काजमी, आप कल से इस रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं और आगे भी काफी जिम्मेदारियां आपने निभानी है, ये जानना चाहूंगा कि मीडिया टीम्स जो हैं उनको कितना मुश्किलात का सामना है इस वक्त वहां पे सहूलतों के ना होने की वजह से। इमरान, देखिए जैसे कि कारकुन मुतासर हो रहे हैं इसी तरह मीडिया वर्कर्स के लिए भी खासी मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ा हर्डल जो है वो मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, हालांकि रात को यहाँ पर बारिश भी हुई थी, उसके बावजूद मौसम के अंदर उस तरह की गर्मी कम नहीं हुई, हबस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को जो यहाँ पर कारकुन हैं वो भी मुख्तलिफ सायों की ओट में हैं और उनकी कोशिश ये है कि जूं ही मियाँ साहब बाहर आए तो वो सड़क के ऊपर आ जाए, अदरवाइज पानी पीने के लिए या रफा हाजत के लिए उनको मुख्तलिफ दूर दराज जगहों पर जाना पड़ रहा है। और इस बात की उन्होंने आकर कंप्लेन भी की है कि हमारे लिए किसी किस्म का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया है। इस तरह की रैलीज जब ऑर्गेनाइज रैलीज होती हैं उनके अंदर लोगों के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाता है, उनको ये सहूलतें दी जाती हैं। अब लोग तो यहाँ पर हैं लेकिन सहूलतें ना होने के बराबर हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, अहम बात, कि इस सड़क के ऊपर जितने भी छोटे मोटे होटल्स थे या रेस्टोरेंट्स हैं वो भी क्लोज बंद करवा दिए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के खाने पीने का भी कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने वर्कर्स हैं उनका यही कहना है कि उनकी कोशिश यही होगी कि वो अपने लीडर के साथ साथ जहाँ तक वो जा सकते हैं उनका साथ देंगे और उनकी एक झलक देखने के लिए यकीनन यहाँ पर लोग बेचैन हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है, पुलिस की एक्स्ट्रा मूवमेंट हुई है और जितनी भी गाड़ियां हैं उनको लाहौर की जानिब उनका रुख करवा दिया गया है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर आएंगे और उनके बाहर आने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कि जितने मैंने पहले जिक्र किया कि लोग यहाँ पर मौजूद जरूर हैं लेकिन मुख्तलिफ सायों के नीचे बैठे हैं, दरख्तों के नीचे। शुक्रिया नासिर काजमी, आप इस वक्त पंजाब हाउस रावलपिंडी के बाहर मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा सूरतेहाल से हमें अपडेट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की रैली में कारकुन पुरजोश हैं, उनको कहना है कि नवाज शरीफ को हमारे दिलों में से कोई नहीं निकाल सकता, वो कल भी हमारे दिल में थे और आज भी हमारे दिल में हैं। कारकुनान का मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं उनकी अपनी जुबानी। जुल्म न किया जाए, नवाज शरीफ के साथ जुल्म न किया जाए, नवाज शरीफ की फैमिली के साथ जुल्म न किया जाए। मैं तकरीबन सब कुछ छोड़ के आया हूँ, रात का आया हूँ, नवाज शरीफ साहब की खातिर आया हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा वज़ीर आज़म तेरा नाम रहेगा। मैं लाहौर से आया हूँ, अकेला आया हूँ, किसी के साथ नहीं आया, अपने पल्ले से पैसे लगा कर आया हूँ। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ अपनी पार्टी के लोगों के दिलों में बसते हैं, वो हमारे दिलों का वज़ीर आज़म है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रैली के इस्तकबाल के लिए जीटी रोड को खैर मकदमी बैनर्स के साथ सजाया गया है। गुजरात, गुजरावाला और लाहौर में भी इस्तकबालिया कैंप्स लगा दिए गए हैं, जबकि लीगी कारकुनान पार्टी तरानों और ढोल की थाप पर झूम रहे हैं। रैली के मुख्तलिफ इलाकों में क्या तैयारियां हैं इस हवाले से आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद से लाहौर के लिए मुस्लिम लीग नून की रैली गुज़िश्ता रोज से अपने मखसूस रास्तों पर गामजन है। जीटी रोड पर जगह जगह लीगी कारकुनान और अराकीन असेंबली की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। गुजरात की तमाम शाहराहें साबिक वजीर आजम की तस्वीर और खैर मकदमी बैनर से सजा दी गई हैं।
मकामी रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ के खिताब के लिए स्टेज भी तैयार किया गया है। पहलवानों का शहर गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, जहां कल से ही लीगी मतवालों का पार्टी तनारों पर रक्स जारी है। नवाज शरीफ के खिताब के लिए स्टेज भी बनाया गया है, जबकि जियाफत का भी खास एहतमाम जारी है। सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर के दाखिली मुकाम शादरा चौक पर नवाज शरीफ के खिताब के लिए एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया है, जबकि शहर की मेन शाहराहों पर नवाज शरीफ की देव कामत तस्वीर और कारकुनान की जानिब से पार्टी कायद के हक में नारों से मुजयन बैनर्स लगाए गए हैं। लाहौर में मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए शादरा चौक पर बड़ा स्टेज लगा दिया गया है, जिसकी तैयारी को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसी तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। अजीम शहजाद, बताइए कि शादरा चौक पर लगाए गए स्टेज की तैयारियों की क्या तफसीलात हैं और क्या मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ खिताब करेंगे? जी, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबका वजीर आजम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ अपने सफर के दूसरे रोज का आगाज जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो करेंगे और लाहौर में कब पहुंचेंगे ये कहना अभी जो है वो कबल वक्त होगा, लेकिन लाहौर में कारकुन जो है वो पुरजोश हैं और अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जो है वो तमाम तैयारियां जो है लाहौर में मुकम्मल कर ली गई हैं। जो रैली का जो रूट है वहां पर जो दूसरी शहरात और जो इलाके हैं उन तमाम जो है रूट्स पर बैनर्स, पैनाफ्लैक्स और जो है बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं, जबकि रैली के रास्तों में इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं जहाँ कारकुन जो है वो अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। कारकुन बहुत पुरजोश हैं और बड़ी बेताबी से अपने कायद का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि काला शाह काकू के मकाम पर जो फैसलाबाद, झंग, टोपा टेक सिंह, चनियोट के काफले जो है वहां पहुंचेंगे और मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, उसके बाद फिर रैली के साथ ही जो है लाहौर में दाखिल होंगे। जबकि इस मौका पर जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी जो है वो जो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं और रैली के जो रूट्स हैं वहां पर अभी से जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। जी, और आपको बताएं कि पंजाब हाउस से रवानगी के बाद कचहरी चौक नवाज शरीफ के काफिले का अगला पड़ाव होगा, जहां हमारे नुमाइंदे राना तारिक इस वक्त मौजूद हैं। राना, क्या कचहरी चौक पर नवाज शरीफ के खिताब का इम्कान है? कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पर कचहरी चौक जो है ये मेन वो चौक है रावलपिंडी और पेशावर के को वो मिलाने वाला रास्ता है जो डीटी रोड लाहौर से आता है और ये वो रास्ता है जहाँ से मियां नवाज शरीफ पंजाब हाउस से निकलकर यहाँ पर कचहरी चौक से होते हुए जो है वो डीटी रोड के रास्ते लाहौर रवाना होंगे। वो कचहरी चौक पर एक बड़ा पड़ाव है, यहाँ पर बहुत बड़ा इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है खवातीन अरकीन पार्लियामेंट की जानिब से, जिसमें जो है तारा औरंगजेब है, सीमा महीउद्दीन जमीली है, इसके अलावा सेनेटर जो है सेनेटर्स भी हैं और MNAs भी हैं जो सूबाई असम्बली की मेम्बरान है जिन्होंने इस्तकबालिया कैंप लगाया है और ये इनके बकौर इनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ इस इस्तकबालिया कैंप में आएंगे और खवातीन से खिताब करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे जो अपने कायद से वालहाना मोहब्बत रखते हैं और तमाम सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जो पेशावर जाने वाली सड़क है वो भी बंद कर दी गई है, जो मरी रोड की तरफ जाने वाली सड़क है वो भी बंद कर दी गई है मुकम्मल तौर पर और सिक्योरिटी के चौबंद दस्ते यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा होना शुरू हो गई है। जब सुबह हम यहाँ पर आए तो कारकुन ना होने के बराबर थे, इक्का दुक्का कारकुन जो रात जिनको कयाम की जगह नहीं मिली वो पंजाब हाउस के बाहर ठहरे हुए थे और वो खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कब कायद आए। जूं जूं वक्त गुजरता गया, 11 बजे का टाइम दिया गया था सबक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानब से कि पंजाब हाउस से हम निकलेंगे और लाहौर की तरफ रवाना होंगे, लेकिन अभी तक हमारे जराए का ये कहना है कि कुछ ही लम्हों बाद जो है वो सबक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला जो है वो पंजाब हाउस से रवाना होगा और वो इसी रास्ते से होता हुआ कचहरी चौक से कचहरी चौक पर पहला खिताब करेंगे खवातीन के इस्तकबालिया कैंप से और उसके बाद वो लाहौर की तरफ रवाना होंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं, चाको चौबंद दस्ते हैं, रेंजर पुलिस और इसके अलावा एससी के की खिदमात भी यहाँ पर ली गई हैं। तमाम पुलिस, पंजाब पुलिस फ्रंट लाइन दस्ते का किरदार अदा कर रही है। यहाँ पर पुलिस मोबाइल जैमर जो है वो भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक्य से निपटने के लिए जो है हम वक्त पुलिस फोर्स जो है वो तैयार है।
हमारे नुमाइंदगान जो है वो हम वक्त अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि जू जू मियाँ नवाज शरीफ के मतवाले जाने वाले जो है यहाँ पर आ रहे हैं उनकी बैकवक्त रिपोर्टिंग हम अपने नाजरीन तक आगाह कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात यही है कि खवातीन का इस्तकबालिया कैंप एक ही पूरे पिंडी में ये लगाया गया था और वो कचहरी चौक पे लगाया गया है। यहाँ पर खवातीन अरकीन पार्लियामेंट सूबाई असम्बली की जो अरकीन भी है और अरकीन पार्लियामेंट जो कौमी असम्बली और सेनेट को रिप्रेजेंट कर रही है मुस्लिम लीग नून को वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी बड़ी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राणा तारिक, आप हमें कचहरी चौक से अपडेट कर रहे थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवात में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रवात में मौजूद हैं लाहौर से ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी। जी अनवार हाशमी, बताइए इस वक्त नवाज शरीफ के काफिले के इस्तकबाल के लिए रवात में क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए रवात जहाँ से उन्होंने इस सफर का आगे रेगुलर आगाज करना है लाहौर की तरफ, तो यहाँ पे खासतौर पर जिस पॉइंट पे हम मौजूद हैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से जो मुस्लिम लीग नून के अहदेदार हैं वो अपनी गाड़ियाँ और कंटेनर लेके यहाँ पे मौजूद हैं। अभी तक कोई मकामी कारकुन जहाँ नज़र नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ से बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ जहाँ से सिर्फ उनका काफिला गुजरेगा, ना ही यहाँ पे कोई स्टेज है और ना ही कोई कैंप है। तो केपीके के लोग जहाँ पे आके जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, सड़क के किनारे उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और उसके बाद फिर आगे मंदरा और गुजर खान जो है जहाँ पे फिर रावलपिंडी की हदूद ख़त्म होगी वहाँ पे लोग मौजूद हैं। मंदरा में पहले मौजूद है, उसके बाद गुजर खान में जो सड़क के इर्द गिर्द कैंप लगा के बैठे हुए हैं और यहाँ से अब ज़्यादातर जो है नेशनल हाईवे की जो टीमें हैं गाड़ियाँ वो इस इंतज़ार में है कि जब उन्हें सिग्नल मिलेगा तो वो ट्रैफिक को जो है वो रोकेंगे और जिस रूट से नवाज शरीफ गुजरेगा उसको शहरों के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अभी तक जीटी रोड पे ट्रैफिक जो है दोनों अतराफ में रवा दवा है, उसको नहीं रोका जा रहा, लेकिन हर स्पॉट पे नेशनल हाईवे की जो गाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं और वो अलर्ट है ताकि ट्रैफिक को जब रोकने का सिग्नल मिलेगा रोक दिया जाएगा। अभी तक यही बताया जा रहा है कि दोनों अतराफ से जो है ये काफिला जीटी रोड पे सफर करेगा लाहौर की तरफ। अनवार हाशमी, अभी तक रूटीन क्या है ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि जो पिछले जितने भी रैली के कारकुनान होते हैं वो अपना मकामी इलाका जो होता है वहीं पर ज्वाइन रहते हैं, वहीं रुके रहते हैं, फिर जो जो आगे रैली बढ़ रही है लोगों की तादाद वहीं से उसी जगह से ज्वाइन कर रही है, तो अभी तक क्या नजर आ रहा है, क्या यही सूरत हाल है या फिर लोग हैं जो फॉलो भी कर रहे हैं साथ साथ? हमारे रब्ता मुनकता हो गया है अनवार हाशमी से, उनसे मजीद भी जानेंगे आगे चलकर। अभी वो रवात से सूरत हाल का हमें जायजा ले रहे थे और हमें भी बता रहे थे कि रवात पर लगता ये है कि यहाँ से जो पेशावर से आए हुए कारकुनान है और जो रैली है वो यहाँ पर उन्हें वेट कर रही है और जब यहाँ पर साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंचेंगे तो फिर वो यहाँ से ज्वाइन इन करेंगे और आगे उनके रास्ते को उनके साथ फॉलो करेंगे। और इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं, इस वक्त नून लीगी रहनुमा अमीर मुकाम आबिद शेरअली और ज़ईन कादरी इनको देखा जा सकता है, उनके साथ मियां नवाज शरीफ का काफिला भी जो है वो रवा दवा होने जा रहा है। इस वक्त कारकुनों की गैर मामूली तादाद, गैर मामूली वहाँ पे हम एक्टिविटी देख रहे हैं, गैर मामूली वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सरगर्मियाँ जारी हैं और काफ़ी देर बाद आज भी 9 बजे का टाइम था और तकरीबन अब 12:30 बजे जो है ये काफिला यहाँ से अब से कुछ देर में निकलना चाहेगा और सूरत हाल कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है जो आज उनका दूसरा दिन है, जो दूसरी इनिंग्स होगी इस वक्त सियासी इनिंग कही जा रही है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की, और इस दूसरी इनिंग का दूसरा दिन आज हम देख रहे हैं कि उनके इस्तकबाल के लिए जो बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद से और पंजाब हाउस से उनका सफर लाहौर के लिए है और कहा यह जा रहा है कि जुमे तक ये सफर जारी होगा, ये जो ये सफर जो उनका जुमे को खत्म होगा और वो हतमी तौर पर लाहौर पहुंचेंगे। इस बीच में हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और जगह जगह पे जो है एक रश देखा जा रहा है, जगह जगह पे सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम हैं जिसकी वजह से उन इलाकों में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो गया है और आवाम की बड़ी तादाद और कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त शाकी भी है इस बात से कि उनके वहाँ पर जो खाने पीने के हवाले से उनके रफा हाजात के हवाले से कोई प्रॉपर इंतजाम मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ी सियासी जमात लेकिन
लेकिन इस सियासी जमात को जिस तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए था इस तमाम इंतजाम को कारकुनों के हवाले से, तो उसी सियासी जमात के कारकुन जो हैं वो भी इस पे थोड़ी शिकायत करते नजर आ रही है। बिल्कुल, लोग कुछ परेशान जरूर हैं लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद ऑन द अदर हैंड जरूर हमें नजर आ रही है इस वक्त रावलपिंडी में पंजाब हाउस के बाहर, जहां पर मौजूद है साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनका काफिला और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कुछ देर पहले हमने आपको फुटेजेस दिखाए जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी में आबिद शेर अली और उनके साथ अमीर मुकाम भी मौजूद थे और फिर ज़ईम कादरी भी उस गाड़ी में आए। आपको ये भी यहां पर बताते चलें कि जिस तरह से दीगर पीटीआई और पार्टीज के हम देखते हैं कि जितने भी धरने या उनके जलसे हुए जिस तरह से ऑर्गेनाइज उनके कारकुनान नजर आते हैं, जो प्रोग्राम उनको दिया जाता है किसी भी एक वोकल पर्सन की जानिब से उस पार्टी के, उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन वहां ऐसा यहां कुछ ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। कोई वोकल पर्सन नून लीगी पार्टी की जानिब से अभी तक सामने नहीं आया जो ये बताए वहां जो कारकुनान आए हुए हैं, जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, जो कल रात से वहां रुके हुए हैं, जिन्होंने आज ज्वाइन इन किया है कि उन्हें आखिर करना क्या है, उन्हें इंगेज रखने के लिए, उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी जानिब हम फिर भी देख रहे हैं कि खुद ही से लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कर रहे हैं। कोई घोड़े का रक्स एंजॉय कर रहा है, कोई घोड़े का रक्स करवा रहा है, कोई ढोल की थाप पर डांस कर रहा है, तो ये सारे मंजर जरूर देखे जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का तमाम तर जो इंतजाम है उसको भी खासा मुयस्सर तरीके से जो है वो फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चलें कि सुबह 11 बजे का टाइम जो दिया गया था कि रैली आगे बढ़ेगी, उस तरह से नहीं हुआ, जिससे स्ट्रैटेजी नून लीग की यही नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली को पहले ज्वाइन कर लें, यहां पर आ जाएं, और जब ज्यादा तादाद में यहां पर कारकुनान या सपोर्टर्स नून लीग के आ जाएंगे तो फिर रैली को आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो पावर शो जिसका मुजाहिरा एक्चुअली नून लीग करना चाह रही है, जिस अवाम की अदालत की बात कर रही है नून लीग और मियां नवाज, उसका मुजाहिरा किया जा सके। दूसरी जानिब कुछ एनालिसिस ये भी है कि रवात में देखना होगा, चूंकि वहां से फिर दूसरे शहरों से भी कुछ पार्टी सपोर्टर्स हैं जो वहां पर आ रहे हैं रैली की सूरत में और इंतजार कर रहे हैं गाड़ियां, जिस तरह से अनवार हाशमी हमें बता रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर के कि वहां पर ऑलरेडी गाड़ियां आकर खड़ी हैं, वो इंतजार कर रही हैं कि कब मियां नवाज का जो काफिला है वो वहां पर पहुंचेगा। और इस वक्त कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो दुआ भी कर रहे हैं और उनके साथ पार्टी के लोग भी मौजूद हैं जो कि इस रैली की कामयाबी के लिए, उनके सफर की कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, और उसके बाद उनका ये सफर आगे बढ़ेगा। आवाम की एक बड़ी तादाद, पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस वक्त काफी पुरजोश दिखाई देती है, जो जिनका जोश व जज्बा अपने लीडर के साथ बढ़ता रहेगा, जो जो वो आगे आगे बढ़ते रहेंगे, उनके दीगर जो लीडरान हैं और स्पेशली जो जिले इंतजामिया है वहां के जो एमएनएज हैं, जो एमपीएज हैं, जिस जिसका जैसे जैसे हलका आता जाएगा वो यकीनी तौर से एक जिम्मेदारी भी होगी इस वक्त उसके ऊपर पार्टी की जानिब से कि वो अपने लोगों को लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा लोग आके इस कारवां का हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोग आके इस वक्त उस पावर को जो कि इस वक्त कही जा रही है, ये रैली है, ये एक पावर शो है मुस्लिम लीग नून का, इसको जब इसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए अक्रॉस द बोर्ड पूरा जो है दिखाना होगा। और इस वक्त एक सर्वाइवल भी कहा जा रहा है इस वक्त साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का उनके सियासी करियर के हवाले से, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इस मूव का जुज हैं, और जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये तमाम चीजें जो है सामने आती जाएंगी। फिलहाल हम आपको ये बताते चले कि पंजाब हाउस रावलपिंडी में पड़ाव डाला गया था कल रात नून लीग के काफिले ने, मियां नवाज के काफिले ने, और अब वो आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। और एक जानिब हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जो काफिला है वो आगे बढ़ना शुरू हो रहा है, बढ़ना शुरू हो चुका है बल्कि, और आपको बताते चलें कि तीन रहनुमा नून लीगी रहनुमा आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, अमीर मुकाम मौजूद हैं, आबिद शेर अली मौजूद हैं और ज़ईम कादरी भी मौजूद हैं, दीगर रहनुमा भी वक्तन फवक्तन हम देख रहे हैं जिस तरह से काफिला मूव कर रहा था। कल भी हमने देखा कि आसिफ किरमानी की जानिब से बार बार मीडिया से बातचीत की गई ताकि वो तमाम रैली कारकुनान जो कि गाड़ियों के साथ मूव कर रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, उनके खून को गरमाया जाए और उन्हें जो है वो जोशो वलवला जो है उसे बरकरार रखा जाए ताकि लोग जो है डाउन ना हो बल्कि वो उनके साथ ही कनेक्टेड रहे। इसके अलावा भी दीगर कारकुनान जो है वो मूव तो करते रहे और उनको मोटिवेशन मिलती रही तमाम तर नून लीग रहनुमाओं की जानिब से, जो वक्तन फवक्तन मीडिया टॉक्स करते रहे या फिर कुछ छोटे छोटे खिताबात जारी रहे। आपको बताएं कि आज भी बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर रवात में जो है यहां पर शायद वजीर आजम खिताब तो ना करें
करें, लेकिन चूंकि वहां पर दीगर शहरों से जो पार्टी कारकुनान हैं और सपोर्टर्स हैं वो अपनी गाड़ियों में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वहां पर जरूर इंतजार किया जा रहा है और वहां पर मुमकिन है कि एक बड़ी तादाद लोगों की जमा हो जाए जिनका ताल्लुक नून लीग से है या वो सपोर्ट करें नून लीग। सादिया, मौसम काफी गर्म है और हब्स की शिद्दत भी काफी है और ऐसे में कारकुनों को इंटेक्ट रखना, कारकुनों को जमा करके रखना एक बड़ी कोशिश है, जिसमें इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कयादत उसके साथ साथ उनके जो पार्टी रहनुमा हैं वो कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए साथ साथ मौजूद हैं, उनसे वो खिताब भी करते हैं, उनका लहू भी गर्माते हैं और ये तमाम सूरतें, ये तमाम काविशें इसलिए हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो ये रैली है, जो ये कारवां है जो लाहौर की जानिब है उनके घर तक है, जिसे कहा यह जा रहा है कि वो अपने घर जाना चाह रहे हैं, तो उनके घर जाने का ये एक जो रिकॉर्ड मनाजिर, रिकॉर्ड लोगों की शिरकत, रिकॉर्ड कारकुनों की शिरकत जो है ये बहुत सारी एक्टिविटी है और इस पूरी एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्टी लीडरशिप जो है वो उनके साथ इंटैक्ट रहे और यही चीज़ें वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि अमीर मुकाम और आबिद शेर अली कारकुनों का लहू, कारकुनों का जोश और जज्बा जो है उसको बढ़ाने के लिए उनसे लम्हे लम्हे बाद जो है वो खिताब भी कर रहे हैं और नारों का जवाब भी दे रहे हैं। और दूसरी जानिब जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि कुछ फुकदान जरूर है प्रोग्रामिंग का, जिस तरह से कारकुनान को इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर एक्टिविटी की जाती है या उनसे बार बार बातचीत की जाती है या बार बार हम देखते हैं कि अगर जो दूसरे अहम कार जो रहनुमा है वो भी बातचीत करते रहते हैं, वो एक सिलसिला जरूर है क्योंकि ये रैली की सूरत में किसी एक जगह पर धरना नहीं है या किसी एक जगह पर पड़ाव नहीं डाला गया, मूव कर रहा है और ये कारवां है तो डेफिनेटली जहां जहां पर लोगों की बड़ी तादाद कुछ जमा में कामयाब होती है वहां पर कुछ छोटे खिताबात किए जाते हैं, थोड़ी सी बातचीत की जाती है मीडिया से भी और फिर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये रैली जो है आगे की जानिब बढ़ती चली जा रही है। हमने यही जो एक्सपेक्टेशंस थी वो यही थी, जिस तरह से बताया गया था कि 11 बजे आज रैली जो है दोबारा से रवा दवा हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ वक्त लगा, लेकिन उसके पीछे नजर यही आ रहा है कि नून लीग ये चाह रही है कि किसी ना किसी तरह से कारकुनान की एक बड़ी तादाद को पहले इंगेज कर लिया जाए, उन्हें जमा कर लिया जाए और फिर आगे मूव किया जाए। और आपको बताएं कि ज्यादातर जो कारकुनान है बहुत दूर दूर से आए हैं, वो यही चाहते हैं कि मियां नवाज से वो मिल सकें, उनकी एक झलक देख सकें। और अभी जो हम आपको फुटेजेस दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको बताते चलें कि इस गाड़ी में मियां नवाज तशरीफ रखे हुए हैं और वो फ्रंट सीट पर मौजूद हैं और इसीलिए कारकुनान जो है उनका जोश जज्बा और उनका वलवला भी नजर आ रहा है, जो कि बहुत दूर शहरों से मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आए हैं जो मियां नवाज को देखना चाहते हैं, अपनी पार्टी के कायद से एक दफा उनकी झलक देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, इस वक्त सूरत-ए-हाल आपके सामने है और पंजाब हाउस में रवानगी से कबल नवाज शरीफ साहब ने दुआ भी कराई ताकि इस सफ़र को बखैर खूबी और खैरियत के साथ जो है ये सफ़र उनका अख्तिताम पजीर हो, वो घर पहुंच जाएं और कारकुनों की बड़ी तादाद इस सफ़र में उनके साथ जुड़े। नवाज शरीफ जो कि इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद हैं, एक एक्सक्लूसिव ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और एक कड़ा इम्तहान होता है सिक्योरिटी पर्सनल के लिए और जो उनकी सिक्योरिटी पे लोग मामूर हैं उनके लिए कि किसी तरीके से अवाम को उनसे दूर रखा जाए, अवाम को इस हिसार से दूर रखा जाए और रवानी जो है उसमें कोई तातुल ना आने दिया जाए। बहरहाल लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और वो आए ही इसीलिए हैं कि वो अपने कायद को देख सके, उनकी एक झलक को देख सके। नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के साथ जो दीगर गाड़ियाँ हैं उसमें हम आबिद शेर अली को देख सकते हैं, अमीर मुकाम साहब को देख सकते हैं जो कि कारकुनों को इस वक्त इंगेज किए हुए हैं, उनके नारों का जवाब भी दे रहे हैं और नारे भी लगवा रहे हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, आपको बताते चलें कि एक्स्ट्रा विजिलेंस नजर आ रही है, आपको बताते चलें कि पंजाब पुलिस एलीट फोर्स और साथ ही साथ स्पेशल ब्रांच के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि इससे पहले हमने देखा कि पंजाब हाउस रावलपिंडी जो है वो गैरिजन एरिया कैंट एरिया कहलाया जाता है, इसी वजह से वहां पर कुछ आर्मी की मूवमेंट भी नजर आई बार बार और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो भी खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं, तो इंतहाई सख्त इंतजाम जरूर हैं सिक्योरिटी के हम देख रहे हैं मुसलसल, हालांकि एक बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो साथ साथ मूव कर रहे हैं, किसी एक जगह को सिक्योर करना जो है कंपैरेटिवली इजी होता है लेकिन यूं एक चलते हुए कारवां को सिक्योरिटी फराहम करना डेफिनेटली थोड़ा सा एक तो मुख्तलिफ ट्रेंड भी है इस तरह की रैली का, इसलिए सिक्योरिटी का जो प्लान तरतीब दिया गया है वो भी बाकी जलसों और धरनों से मुख्तलिफ है। और हम ये देख रहे हैं कि इस
इस वक्त जो गाड़ी में है, आपको बताते चले कि मियां नवाज उसमें तशरीफ रखे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता से आगे मूव कर रही है। साथ ही साथ दूसरी गाड़ियों में नून लीग के दीगर जो रहनुमा है वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और काबिले जिक्र तौर पर आपको बताते चले कि आबिद शेर अली, जईम कादरी और अमीर मकाम एक ही गाड़ी में मौजूद हैं, जो कि हाथ हिलाकर और पीस का साइन बनाकर या विक्ट्री का साइन बनाकर जवाब दे रहे हैं कारकुनान का, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। और जो मेजर अट्रैक्शन है इस पूरी रैली की वो मियां नवाज खुद हैं, उनको देखने के लिए खास तौर पर लोग दूर दूर से आए हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, जो कि उनकी पार्टी के कायद भी हैं, जो मुख्तलिफ अफराद बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो यही कह रहे थे कि आज भी उनके वजीर आजम मियां नवाज ही हैं और कल भी वही होंगे, आने वाले सालों में भी वही होंगे। कुछ ने ये कहा कि हम अपने पैसे खर्च कर कर यहाँ पर आए हैं, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए, हमें किसी ने बुलाया नहीं है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करा, लेकिन हम मियां नवाज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और कुछ ने ये भी कहा कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके खिलाफ जो फैसला दिया गया है वो ठीक नहीं दिया गया। बहरहाल ये उन कारकुनान का जज्बा है मियां नवाज के लिए, जिसके जो दिखा रहे हैं वो और उस प्यार का जो है इजहार कर रहे हैं जो वो मियां नवाज से करते हैं। चौधरी तनवीर, जो कि इस उनका हल्का इंतखाब भी यहाँ पे लगता है, वो भी एक रैली को आगे लेकर चले हैं और वो भी इसे ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे ये काफिला बढ़ता जाएगा कारकुनान की बड़ी तादाद इससे जुड़ती जाएगी और वो अपने कायद के साथ उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पे मौजूद होंगे। एक तवील सफ़र है और इस वक्त जी टी रोड पूरे के पूरे जी टी रोड पर इंतहाई सख्त तरीन हिफाजती इकदाम किए गए हैं। बार फिर हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यासिर नजर ने। यासिर नजर, बताइए क्या इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग नून की जो रैली है अब बाकायदा तौर पर पंजाब हाउस से शुरू हो चुकी है। जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं वो खुद रैली में उनकी गाड़ी अब निकली है। इसके साथ साथ जो अमीर मकाम हैं और साथ आबिद शेर अली हैं वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं और उनके साथ जितने भी कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और नारे लगा के जो रैली है आप अपनी मंजिल की तरफ पंजाब हाउस से निकले हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं गुजरात की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पे मौजूद है और जितने भी जो कारकुनान और खासतौर पर निगरान असम्बली हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं इस रैली में। और अब ये रैली पंजाब हाउस से निकली है, जितने भी कारकुनान जिस तरह कल सारा दिन हम देखते रहे कारकुनान जो गाड़ी के गेट जमा थे, गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और एक गेट से गाड़ी को मुकम्मल तौर से घेरे हुए था। अब भी यही सूरत हाल है, जिन्हें पंजाब हाउस की ये गाड़ी निकली है निकलने के लिए रवाना हुई है, तो जितने भी कारकुनान हैं वो गाड़ी के गेट जमा हो गए हैं, गाड़ी के अड्डे पर मौजूद हैं, वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं जबकि जो लीगी कारकुनान के साथ साथ जो उनके साथ सियासी असाबी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इन गाड़ियों के करीब करीब रहें और जो मियां नवाज शरीफ हैं उनके करीब तरीन रह के उनके साथ नारेबाजी करें। अभी हम देख रहे थे कि आबिद शेर अली जो है मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं, अमीर मकाम भी उनके साथ मौजूद हैं, तारिक फजल चौधरी समेत जो पिंडी की मकामी क्यादत है वो भी उनके साथ मौजूद है और अब ये काफिला पंजाब हाउस से सिटी रोड की तरफ रवाना हो रहा है जो लाहौर से मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ लाहौर पहुंचेगा। लेकिन क्योंकि आज 10 बजे का टाइम दिया गया था, 10 से 11 बजे तक कहा गया था कि रैली जो है पंजाब हाउस से निकल आएगी, लेकिन इसके बाद बावजूद जो 1.5 घंटे की तखीर के बाद अब जो रैली है जो साबिक इजाजत नवाज शरीफ की क्यादत में अब यहाँ से निकली है और जिस तरह कल हम देख रहे थे क्योंकि कारकुनान की बड़ी तादाद की मौजूदगी में रैली निकली थी और बड़ी तादाद में कारकुनान जमा थे, लेकिन अभी सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी आपको बताएं जो इनका स्क्वाड है खासतौर पर जो मियां नवाज शरीफ और उनके जो करीबी साबी हैं उनकी गाड़ियों को मुकम्मल जो सिक्योरिटी कार में रखा गया है, इनकी पर्सनल जो सिक्योरिटी है वो मौजूद है और उनकी सिक्योरिटी कार बना के इन गाड़ियों को आगे ले जाया जा रहा है। इन गाड़ियों के करीब किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी जा रही और कारकुनान को कोशिश की जा रही है कि इन गाड़ियों को दूर रखा जाए और पीछे निकला जाए। अभी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है पंजाब हाउस के बाहर मौजूद है दफ्तरों के साथ और नारेबाजी के साथ। अभी रैली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कल हमने देखा था कि 12 घंटे की तवील मसाफत तय की गई थी, 1/2 घंटे का जो रास्ता था उसके काफी देर बाद तय किया गया था। आज भी हमें यही सूरत हाल लगे गए कि अब पंजाब हाउस से जो रैली है वो अब निकली है और बड़ी तादाद में कारकुनान इस रैली के साथ जो सियासी काबरीन गुजरा दान असम्बली जो है
आपने बताया काबिल जिक्र जो रहनुमा है नून लीग के जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हमने कल से अब तक देखा है कि कोई नून लीगी खातून रहनुमा नजर नहीं आई। क्या आप देख सकते हैं जिन्होंने इससे पहले इस्लामाबाद में जो रैली में दिखी हो या साथ कोई फॉलो कर रहा है या ऐसा नहीं है? जी आपको बताएं, कल जब पंजाब हाउस से हमने देखा कि खवातीन की तादाद इक्का दुक्का खवातीन हमें दिखाई दे रही थी और जो चंद एक मेम्बरान असेंबली थी वो हमें कुछ देर के लिए जो रैली में शुरुआत दिखाई दी। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ से पंजाब हाउस से लेके दिल्ली जाने तक रैली की, क्योंकि हम उसको मुसलसल कल भी कवर करते रहे, उस दौरान हमें खवातीन की इक्का दुक्का खवातीन हमें नजर आ रही थी, लेकिन उस तरह मुनज़्ज़म तरीके से खवातीन की कोई बड़ी रैली जो हमें कल भी दिखाई नहीं थी। आज भी यही सूरत हाल है कि खवातीन जो मेम्बरान असेंबली हों या जो सियासी लीडर हों नून लीग की, वो भी आज भी हमें दिखाई नहीं दे रही है और ना ही उनकी कोई बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। कहाँ इक्का दुक्का जो खवातीन हैं वो मौजूद हैं, जो कारकुनान में से जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन खवातीन कल की तरह आज कोई भी तादाद बड़ी तादाद। ठीक है यासिर नजर, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपसे मजीद भी जानेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये वक्तन फवक्तन आप हमें बता रहे हैं। नासिर काजमी ने भी हमें ज्वाइन किया। नासिर काजमी, क्या देख रहे हैं आप मंजर? जी बिल्कुल मनासिर, बिल्कुल जैसे हैं जिस तरह कल हमने देखा के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब रैली की क्यादत के लिए निकले और कारकुन उनको देखकर जमा होना शुरू हो गए, इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली पंजाब हाउस के बाहर जो कारकुनों की एक बड़ी तादाद थी, जो ही प्राइम मिनिस्टर बाहर निकले साबिक वजीर आजम उनको देखकर वालाना इस्तकबाल किया गया। उनके काफले के आगे कल की तरह आज भी जो है पार्टी लीडर और दीगर पार्टी रहनुमा हैं, आबिद शेर अली, ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो एमएनएस हैं वो उनके कॉन्वॉय के साथ हैं। और ये पंजाब हाउस से अभी थोड़ी देर पहले ये कॉन्वॉय निकल कर और जो कचहरी चौक है उसकी तरफ रवा दवा है। पेस बिल्कुल कल के जो रैली थी उसी की तरह है, स्लो मूवमेंट है और आहिस्ता आहिस्ता जो कचहरी चौक की जानब ये काफला जो है वो जा रहा है। कारकुनों को इससे पहले ही हिदायत कर दी गई थी कि पंजाब हाउस को छोड़कर वो कचहरी चौक तक जा पहुंचे और अभी भी जितने भी यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी सारी गाड़ियों ने उसी तरफ मूव करना शुरू कर दिया है और जो सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं रावलपिंडी की ये अहम शाहराह है जिसके ऊपर पंजाब हाउस वाके है, यहाँ से जितने भी कारकुन थे वो अब कचहरी चौक की तरफ मूव करना शुरू हो गए और इस सड़क को अभी आम ट्रैफिक के लिए भी खोला जा रहा है। ट्रैफिक वार्डन अभी इंतजार कर रहे हैं कि रैली को जो चौक तक पहुंच जाए ताकि इस सड़क को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। कारकुनों की गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल से भी सवार हैं और पैदल भी हैं और अब देखना यह होगा कि कितनी बड़ी तादाद में कचहरी चौक चूंकि मेन जगह है जहां से इस रैली ने एक दफा फिर लाहौर की जानेब रवा दवा होना है और रावलपिंडी के मुख्तलिफ तहसील और डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत के मुताबिक वहां से मुख्य कारकुनों ने इस रैली को ज्वाइन करना है। अभी तक जो कारकुन है जिस हिसाब से हमने कल रात को देखा उस हिसाब से कारकुन यहाँ पर नहीं आए, यकीनन वही लीडरशिप के साथ कुछ कारकुन यहाँ पर आए या पिंडी के जो मुकामी वोटर्स हैं उन्होंने इस रैली को ज्वाइन किया, लेकिन बड़ी तादाद में लोग उस हिसाब से अभी तक जमा नहीं हो पाए क्योंकि ये जो कचहरी चौक का एरिया है यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग आएंगे और यहाँ पर जमा होने में कामयाब होंगे। और जितनी भी लीडरशिप से हमारी बात हुई है उन्होंने भी यही कहा है कि पिंडी का जो कि थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट है, यहाँ पर वर्किंग डे भी है, लोग जो है दफातर स्कूल और दीगर अपने अपने कामों में मसरूफ भी होंगे और जितनी देर में ये रैली जो है वो कचहरी चौक तक पहुंचेगी कारकुनों की एक बड़ी तादाद उमड़ आएगी और उस रैली को ज्वाइन कर लेगी। रावलपिंडी के जो छोटे छोटे मुजाफाती इलाके हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा है साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां की गई हैं। सड़क के दोनों जानेब जो पार्टी परचम है वो लहराए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जो कारकुनान के लिए जो है कुछ बंदोबस्त भी किया गया है कि ताकि इनको रिफ्रेशमेंट करवाई जा सके। जहाँ पर अभी पंजाब हाउस के सामने जहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने इस रैली का सिलसिला रात को खत्म किया था वहाँ से दोबारा शुरू कर दिया है
और लाहौर की जानब ये काफिले रवा दवा है। खासा हिसार दिया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है। जितने भी पुलिस के ऑफिशियल्स हैं हमारी उनसे बात हुई है, उनका यही कहना था कि हमारी कोशिश यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर कम से कम किसी मकाम पर कारकुनों को बिल्कुल उनके सामने ना आए, बल्कि या तो वो अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद रहें या उनको ऐसा स्पॉट किया जाए ताकि जहाँ पर उनकी जान को खतरा किसी किस्म का ना लाग हो सके। एक्स्ट्रा कॉन्टीजेंट मंगवाई गई है पुलिस की, पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ इजलास से भी पुलिस जो है यहाँ पर मंगवाई गई है। और ये जो कॉन्वॉय है ये आहिस्ता आहिस्ता कचहरी चौक की जानब रवा दवा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है जब ये काफिला का कचहरी चौक पहुंचेगा तो यकीनन वहां पर रैली में बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। सेंट्रल पॉइंट है यहाँ से, अपने नाजरीन को इसका अगर हदरबा बताएं यहाँ कचहरी चौक से आगे ये जीटी रोड का इलाका बकायदा तौर पर शुरू हो जाता है और यही सड़क आगे लीड करती है फिर रवात का इलाका टी चौक कहलाता है वहां पर, और टी चौक पर जो है अगली गैदरिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। सवां का इलाका है जिससे पाकिस्तान होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वैली में रवात टी चौक तक एक्सेस करनी है। जी ठीक है, नासिर काजमी और यासिर नजर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और मजीद भी उनसे हम जानते रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि काफिला जो है आगे चल निकला है और बारहा हम ये देख रहे हैं कि जो नून लीगी रहनुमा है वो कारकुनान के जोश व जज्बे को बढ़ाने के लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं और उनके रिस्पॉन्स के लिए उनसे जवाब भी तलब किया जा रहा है। और यही कुछ एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर आएंगे रैली की क्यादत करेंगे तो उस वक्त जितने भी लोग हैं वो उनके साथ यकजा हो जाएंगे और फिर ये काफिला मजीद आगे यहां से चलेगा। बहरहाल मौसम अपनी जगह काफी गर्मी है, हब्स की शिकायत वहां पे कर रहे हैं, लेकिन जो जो ये काफिला आगे बढ़ेगा वो एक सिक्योरिटी जो हिसार है और वहां पे जो जो डिप्लॉयमेंट है लोगों की और जो पुलिस एहलकार हैं या उनका जो अपना जो जो हिफाजत पे मामूर लोग हैं जो दस्ते हैं उनके लिए एक कड़ा इम्तहान के किसी तरीके से वो लोगों को कारकुनों को आम कारकुनों को बिलखसूस नवाज शरीफ साहब की जो गाड़ी है उससे थोड़ा सा फासले पर रखें। लेकिन ये पूरा आंसर होगा जो आगे चल के भी देखा जाएगा इस पूरे रैली के दौरान। तमाम तो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज आज न्यूज और सीनियर सहाफी आमिर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कल जो खिताब किया साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में, उन्होंने तनकीद का निशाना इससे पहले वो मुखालफीन को बनाते रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने डायरेक्टली अदालती फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप समझते हैं? ख्याल है अब हमें रोजमर्रा की बुनियाद पर नजर आएगा। जाहिर है मीडिया की तवज्जो लोगों के ऊपर होगी, कितना हजूम उन्होंने इकट्ठा किया, कहां कहां पहुंचे, जीडी रोड की क्या सूरत हाल थी, जीडी रोड पर आने वाले तमाम शहर जिनसे उन्होंने गुजरना है वहां पर उनका किस किस्म का इस्तकबाल रहा। लेकिन ये माइलस्टोन्स नहीं होंगे इस सफर के, इस सफर के जो मेन माइलस्टोन्स हैं वो तकरीर होंगी जो हमें सुनने को मिलेंगी और जो उनकी पहली तकरीर कल रावलपिंडी में रात गए की उन्होंने, उससे जो हमें इशारा मिला है कि जो जो ये काफिला आगे बढ़ता जाएगा और जो जो वो लाहौर के करीब होते जाएंगे उनकी तकरीरों में और ज्यादा गर्मी आती जाएगी, उनकी जो तनकीद है वो और ज्यादा से ज्यादा कड़ी होती जाएगी। देखिए ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि अभी वो बार बार जिस साजिश की बात कर रहे हैं या जो इस नुक्ते के ऊपर अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर निकाल दिया, बार बार उनका कहना है कि 70 बरस के अंदर किसी वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को साथ मिलाएं आप, मिला कर देखें अदलिया पर उनकी तनकीद, इस फैसले के ऊपर उनकी तनकीद और बार बार उनका ये कहना कि एक साजिश की जा रही है, तो यकीनन एक वक्त तो ऐसा आएगा कि उनको बड़ी वजाहत के साथ ये बताना होगा कि ये साजिश कौन कर रहा है। उन्होंने जब पार्लियामेंट्री पार्टी से पहली दफ़ा खिताब किया नाअहली के बाद, उसके अंदर उन्होंने ख़ासतौर पे ये जिक्र करना ज़रूरी समझा कि देखिए जब भी पाकिस्तान के अंदर फौजी बगावत होती है या हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है उसमें सारी की सारी फौज मुलव्वस नहीं होती, वो चंद लोगों का काम होता है। अभी भी मेरा ख्याल है कि जिन इदारों की तरफ उनका इशारा है और उनके जो सेकेंड और थर्ड ईयर के रहनुमा हैं वो बड़े खुल के बात कर चुके हैं कि जी ये इंटेलिजेंस इदारों का क्या काम था SJIT के अंदर या इंटेलिजेंस इदारे जो हैं
वो क्या कर रहे थे, इतनी 6 बंदों ने जो है वो 70 साल का काम जो है वो इतनी जल्दी में कैसे कर लिया, क्या जिन उनके लिए काम कर रहे थे, तो जिन जिन्नात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को किसी ना किसी वक्त ये स्पेसिफाई करना होगा कि वो कौन लोग हैं जो उनके ख्याल में उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और अगर उनके अपने इदारे जिस इदारे का वो हिस्सा हैं वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि ये साजिश का जो नैरेटिव है इसकी कोई ना कोई इसको अंजाम तक ले जाना, यहाँ तो ये शुरू ही ना करते हैं साजिश का नैरेटिव, अब उन्होंने शुरू किया है तो उसको कहीं ना कहीं अंजाम पे ले जाना होगा, और ये माइलस्टोन्स जो हैं इनका हमें इंतजार है कि जो जो वो करीब होते जाते हैं क्या उनके बयान में कोई वजाहत आती है या नहीं। तो आमिर साहब, ये जारहाना अंदाज जो अब मुतवक है आगे चल के मजीद, क्या ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगा, और विद इन द पार्टी चंद लोग ऐसे भी हैं जो उनको मशवरा दे रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना जाएं, इतनी ज्यादा एग्रेसिवनेस जो है वो ना दिखाएं, और चंद अहम नाम भी इस सिलसिले में सामने हैं, तो और इस वक्त जाहिर है कि वो सदर भी नहीं रहेंगे, पार्टी की सदारत भी उनके पास नहीं रहेगी, तो आप नवाज शरीफ साहब को और PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फिर आगे चल के कहाँ पे देख रहे हैं पार्टी तनाव? कॉन्फ्रंटेशन की जब हम बात करते हैं इमरान, तो सवाल यह आता है कि कॉन्फ्रंटेशन किसके साथ है? ये उनका किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, ये जो रैली उन्होंने निकाली है, ये एहतजाज जो वो कर रहे हैं वो अदलिया को बताओ एज एन इंस्टीट्यूशन उसके खिलाफ भी नहीं कर रहे हैं, वो एक फैसले तक उन्होंने महदूद रखा हुआ है अपने इस एहतजाज को, तो ये जिस कॉन्फ्रंटेशन का जिक्र हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये किसके खिलाफ है ये कॉन्फ्रंटेशन, और अगर आप उनकी पार्टी के अंदर जो डिवाइडेड ओपिनियन है अगर उसको देखें, और मैं समझता हूँ कि वो डिवाइड जो है अब वो इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि जो लोग उनको रिस्ट्रेट का मशवरा दे रहे थे, जो लोग उन्हें कह रहे थे कि नहीं इतना खुल के सामने ना आओ और इतना एग्रेसिव एक स्टांस जो है वो अपना ना रखें, उनकी बात को तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया, उनकी बात को तो उन्होंने रद्द कर दिया, उसके इशारे हमें मिलते हैं कल रात को तहमीना दुरानी की जो ट्वीट्स थी, मेरा ख्याल है उनको वो बड़ी इंसाइटफुल सी थी कि क्या सोच चल रही है शहबाज शरीफ साहब के भी दिमाग के अंदर, और पार्टी के उस तबके के अंदर भी जो कि नहीं चाहते थे कि वो इस तरह का एक सियासी मेला 200 मील लंबा एक सियासी मेला जो है वो सजाएं पंजाब के अंदर, लेकिन वो उससे अब आगे बढ़ चुके हैं, अब आगे आए हैं तो कॉन्फ्रंटेशन किसके साथ, क्या वो कॉन्फ्रंटेशन जो है उनका ख्याल है कि ये माजी में जो फौज जो है वो 58-2B के जरिए अपनी मर्जी जिताती रही, 58-2B को 4 दफ़ा इस्तेमाल किया मुख्तलिफ सदूर ने, और वो जाहिर है कि फौज की हिमायत के साथ उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद जब वो ख़त्म किया गया 58-2B को तो फौज बराह रास्त उसने आके इकतदार संभाल लिया जनरल परवेज मुशर्रफ की बगावत के जरिए, और अब अगर वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आर्टिकल आइन के आर्टिकल 62 और 63 जो है उसको 58-2B का मुतबादल बना दिया गया है, और जिस काम के लिए पहले जो काम पहले सदर किया करता था वो काम अब अदलिया करेगी, तो ये कॉन्फ्रंटेशन वो किसी एक अगर आप कहें किसी एक इदारे के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, ये फौज के चंद ऐसे जर्नैलों के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं जिनके ऊपर उनको वो शक है, ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। नवाज शरीफ की जो भी सपोर्ट है पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट है, लेकिन जितनी भी सपोर्ट है देखिए जितना वो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं उतना ही वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और पाकिस्तान की फौज को भी सपोर्ट करते हैं, तो उनकी कॉल के ऊपर वो उनके इस्तकबाल के लिए तो निकल आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं पिंडी में, आगे भी जाके निकलेंगे, लेकिन अगर यही नवाज शरीफ साहब उनको किसी रियासती इदारे से भिड़ जाने की कॉल देते हैं तो इनमें से 9 में से 10 में से 9.5 लोग जो हैं वो वापस घर चले जाएंगे, उनकी ओरिएंटेशन ऐसी नहीं है, तो ये कॉन्फ्रंटेशन यकीनन किसी इदारे के साथ इस वक्त वो इस तरह की सूरत हाल में जितनी मर्जी वो पॉलिटिकल डेमोंस्ट्रेशन कर लें वो अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको डेमोंस्ट्रेट करते हुए इदारे के साथ नहीं कर सकते हैं। अब जहां फोकस करना चाहिए अनफॉर्चुनेटली हमें वो फोकस नज़र नहीं आ रहा, अगर उनका ख्याल है कि आइन की कुछ शिकें ऐसी हैं जिनको 58-2B के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है तो उन शिकों को ख़त्म करना जो है वो तो पार्लियामेंट के जरिए होता है ना जी, पहले जब ख़त्म हुआ जब पार्लियामेंट के इख्तियारात और वज़ीर आज़म के इख्तियारात बहाल किया गया आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में जब वो सदर थे तो वो काम सड़कों पे तो नहीं हुआ ना, वो तो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, वहां पे हमें फोकस नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक दफा जब वो लाहौर चले गए उन्होंने सब अपने
दूसरों से ज्यादा अपनी तसल्ली कर ली कि हाँ मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, फिर उनको ये जो सब्सटेंटिव काम है इनकी तरफ लौटना पड़ेगा। ठीक है, तो कल हम देख रहे थे कि जब से इस रैली का आगाज हुआ था, जिस बात का अंदाजा आमिर साहब नहीं लगाया जा सक रहा था वो ये थी कि मकसद क्या है नून लीग के इस रैली का, वो मकसद समझ में अभी भी नहीं आ रहा। आवाम की अदालत की बात की जा रही थी, फिर कल हमने देखा कि साबिक वजीर आजम ने खासी तनकीद की इदारों पर, फिर हमने ये देखा कि कहा उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ घर जा रहा हूँ, फिर क्यों मेरी मुखालफत हो रही है। तो नून लीग क्या फोकस नहीं है सिर्फ अब वही वाली बात जो आप करें, क्या दिल की तसल्ली थी कि एक इंटरेक्शन हो जाए, सपोर्ट मैं देख लूं कि लोग मेरे कितनी करते हैं। इसमें दो चीजें, कल रात को सादिया जब मुनीजे अपना प्रोग्राम कर रही थी, नसीम जहरा हमारी बड़ी सीनियर साथी हैं, बड़ी देर से फॉलो कर रही हैं वो नवाज शरीफ साहब के करियर को, वो उस प्रोग्राम के ऊपर आई हुई थी। कुछ वजूहात तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बयान की, जिनमें बुनियादी तौर पे ये था कि पार्टी के अंदर अगर कोई लीडरशिप के ऊपर कोई खींचातानी हो रही है तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो अनडिस्प्यूटेड लीडर नवाज लीग के वही हैं, और PMLN का सबसे अहम अल्फ़ाबेट जो है वो N है। PML में उनके बगैर, N के बगैर कोई जान नहीं है। एक तो वो, दूसरा जो पार्टी के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत गुरोबंदी हुई है चौधरी निसार की नाराज़गी की वजह से, अगर मुस्तकबिल करीब में कोई गुरोबंदी होने का कोई खदशा है तो वो इस शो ऑफ पावर के ज़रिए अपनी ग्रिप जो है वो उसको इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ये तो वो मकासद, सियासी मकासद हैं जो कि हमें सामने नज़र आ रहे हैं। मैंने जितना फॉलो किया पिछले 30-35 बरस में नवाज शरीफ के करियर को, उसमें नज़र ये आया है कि अभी तक उन्होंने जमहूरियत के लिए जंग, कभी भी कोई सियासी जंग उन्होंने जमहूरियत के लिए नहीं लड़ी। उन्होंने अपने लिए बड़ी दफ़ा लड़ाई की है। उन्होंने जब 1988 से लेके 1990 तक जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत का बिल्कुल उन्होंने नाटका बंद किया हुआ था, उनको काम हिलने भी नहीं दे रहे थे वो पंजाब के वज़ीर आला के तौर पे, वो काम उन्होंने जमहूरियत की खिदमत के लिए नहीं किया था, वो अपने सियासी इक्तदार और अपने सियासी करियर के लिए किया था। इसी तरह जब उनको 93 में बरतरफ किया गया तो जो उन्होंने जद्दोजहद बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के खिलाफ की, वो भी उन्होंने अपने आप को इक्तदार में वापस लाने के लिए की, उसमें जमहूरियत की कोई खातिर और कोई खिदमत नहीं हुई। जब तक आर्टिकल 58(2)(b) को वो सपोर्ट करते रहे और उसके जरिए एक हुकूमत के निकाले जाने को सपोर्ट करते रहे तो जाहिर है कि जमहूरियत की खिदमत वो नहीं कर रहे थे। इस दफा उनका ये